आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। चंदन क्यारी प्रखंड कार्यालय परिसर में चंदन क्यारी भाजपा की ओर से 16 दिसंबर को एक दिवसीय धरना कार्यक्रम रखा गया है, जिसके माध्यम से वे केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून में समर्थन करने एवं झारखंड सरकार द्वारा किसानों के पैदावार नजन खरीदने के खिलाफ विरोध दर्ज करेंगे, जिसकी तैयारी बैठक मंगलवार को आमलाबाद के भाजपा कार्यालय में की गई है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। जहां आमलाबाद मंडल अध्यक्ष पंकज शेखर ने कहा कि हेमंत सरकार किसानों के हितैषी होने का ढोंग दिखा रही है, टैक्स में धान खरीद बंद होने से बिचौलिया मालामाल हो रही है, वह किसानों के धान औने पौने दाम में खरीदकर बंगाल के व्यापारी को सीधे सीधे लाभ पहुंचा रहे हैं, जिस कारण स्थानीय किसान कंगाल एवं बंगाल के व्यवसायी मालामाल हो रहे हैं। वहीं किसान हित के लिए बनाया गया नई कृषि कानून नीति 2020 पूर्ण रूप से किसानों के प्रति समर्पित है, परंतु विपक्ष ने किसानों का माइंड वॉश कर दिया है और माइंड वॉश कर किसानों को सड़क पर उतरने पर विवश कर दिया है। इस मौके पर गोवर्धन सिंह, खगेन महता, राकेश मुखर्जी, प्रवीर मुखर्जी, अजय रजवार, सिया राम महता, शंकर राय समेत 11 पंचायत के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। चंदन क्यारी से व्योमकेश मिश्रा की रिपोर्ट। आज की बैठक हम लोग 16 तारीख को चंदन क्यारी प्रखंड कार्यालय में धरना का प्रोग्राम रखे हैं सरकार के विरोध में। सरकार भ्रष्टाचार से आकंठ डूबी हुई है, धान खरीदने में आनाकानी कर रही है, किसान लोग बेहाल हैं। इसी धरना को सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए और धरना में ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता होंगे और उसको सफल बनाने का काम करेंगे।